एक शहर में एक फैमिली रहा करती थी। परिवार रहा करता था जिसमें मम्मी पापा, 7 साल की चिंकी और 8 साल का रोहन। वो चारों लोग एक घर में रहा करते थे। चिंकी और रोहन बहुत ही अच्छे थे, पर उन दोनों में एक ही बुरी आदत थी। वो दोनों खाने में केवल और केवल जंक फूड खाते थे। मम्मी मम्मी खाने दो। ठीक है बच्चों, मैंने आज आलू की सब्जी बनाई है, तुम लोग खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। पर बच्चों, आलू की सब्जी तो तुम लोगों को अच्छी लगती थी। नहीं मम्मी, हमको आलू से ज्यादा पिज्जा अच्छा लगता है। हाँ, और मुझे बर्गर। पर बेटा, पिज्जा बर्गर डेली डेली थोड़ी ना खाया जाता है। नहीं, हम तो वही खाएंगे, वरना कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को पिज्जा बर्गर देती हूँ, पर केवल आज, कल तुम लोगों को खाना खाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी। उन दोनों को उनकी मम्मी पिज्जा बर्गर दे देती हैं। अब तो खुश हो ना तुम लोग, तुम लोगों को पिज्जा बर्गर मिल गया। हाँ, हम लोग खुश हैं। पर पिज्ज़ा और बर्गर और बाकी के हर जंक फूड बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। वो दोनों उनकी मम्मी की बातें नहीं सुनते हैं। बच्चों आओ खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है। ठीक है मम्मी। यक, सब्जी और रोटी ये कौन खाता है? हाँ, हमने तो आपसे केवल और केवल पिज्जा बर्गर का कहा था। बेटा, तुम्ही लोगों ने तो मुझसे कल प्रॉमिस किया था कि हम कल खाना खाएंगे। हाँ, पर हमने कल कहा था, अभी तो आज है ना। बेटा, तुम मुझे पागल मत बनाओ, जल्दी से खाओ। नहीं, उन लोगों की जिद पे वो लोग फिर से आज पिज्जा और बर्गर ही खाते हैं। फिर उनकी मम्मी पापा से कंप्लेन करने जाती हैं। अरे बच्चों को तो देखो, डेली के डेली जंक फूड, कभी पास्ता तो कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर, ये वो। अरे तुम बच्चों को अच्छे से समझाओ, वो लोग मान जाएंगे। इतने दिनों से तो अच्छे से समझा रही हूँ। अरे एक दिन अपने पास बिठा कर समझाओ। ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ, अब तुम समझाओ बच्चों को। ठीक है, मैं समझाती हूँ। चिंकी रोहन यहाँ आओ दोनों लोग। हाँ मम्मा बोलो। हाँ मम्मा, क्या बुलाया आपने? बच्चों मुझे तुमको कुछ बताना है। क्या मम्मी? हाँ मम्मी, क्या बताना है? बच्चों तुम लोग जो डेली डेली जंक फूड खाते हो ना, वो आपके लिए बहुत अनहेल्दी है। जंक फूड आप डेली खाओगे ना, तो आप लोगों की जो आई होती है ना, वो वीक हो जाएंगी। क्या मम्मी, आई वीक हो जाएंगी? अरे मम्मी, आप तो ये इसीलिए कह रही हो ना कि हम जंक फूड ना खाएं। हाँ शायद मम्मी आप इसीलिए ही कह रही हो। नहीं बच्चों, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को जंक फूड खाना है तो खाओ, पर मुझे तो बस बताना था आप लोगों को। अब मम्मी अगर ये सच है तो मैं आज से जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्या चिंकी, तुम भी मम्मी की बातों में आ गई? हाँ मम्मी सही बोल रही होंगी। ठीक है ना खाओ तुम, मैं तो खाऊंगा। रोहन वहां से भाग जाता है और जाता है दुकान पे। मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, गुड बेटा, मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुई। थैंक यू मम्मी। चिंकी पढ़ाई कर रही होती है उसी वक्त। वाह, क्या ही मस्त डिलीशियस पिज्जा है। अरे क्या देख रहे हो तुम? अरे मैं तो यूट्यूब देख रहा हूँ, कितना अच्छा डिलीशियस पिज्जा है दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तो अब तो फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, पिज्ज़ा बर्गर अब मैं नहीं खाती। अरे तुम तो एक नंबर की पागल हो, मम्मी ने बोला और तुम मान भी गई। हाँ
पागल कहीं की। चलो अब मैं बारबेक्यू स्टार की वीडियो लगा लेता हूँ। अरे उसकी नई वीडियो आई है, वाओ जादुई टेबल, मैं अभी देखता हूँ। हाँ और उसके चैनल को लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी अपने लैपटॉप से बारबेक्यू स्टार को सब्सक्राइब कर देती हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन बताएगा? रोहन तुम खड़े हो? जी मैम बोलो। रोहन इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। रोहन उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखता है, पर वो डेली जंक फूड खाने के कारण उसको वो क्वेश्चन धुंधला दिखाई देता है, मतलब उसकी आई वीक हो जाती है। अरे रोहन तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, इतना इजी क्वेश्चन है, 2+2 क्या होता है बताओ। वो बहुत गौर से देखता है, उसको फिर भी नहीं दिखाई देता है। तुम्हें इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं अभी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। हेलो मैम सर। रोहन की मैम उसकी मम्मी पापा को सब कुछ बता देती हैं। मैम उसने इतना इजी आंसर भी नहीं बता पाया। रोहन आज तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे क्लास टीचर का कॉल आया था। हाँ रोहन तुम इतना इजी आंसर नहीं बता पाए, 2+2=4। पापा मुझे उन सब का आंसर पता था। तो फिर तुमने उनके सामने क्यों नहीं बताया? पापा मुझे बहुत धुंधला दिख रहा था अपनी आंखों से। क्या धुंधला? मैंने कहा था ना जंक फूड मत खाओ, देखो हो गई ना तुम्हारी आई वीक। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। उसकी मम्मी उसको रोते हुए देख कर कहती हैं, बेटा चुप हो जाओ, जो हुआ तो हुआ, अब से तुम डेली फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल खाओगे ना। हाँ मम्मी पक्का खाऊंगा। हाँ मम्मी भाई मेरी आंखों का क्या होगा? बेटा अब तुम्हें चश्मा ही लगेगा। क्या चश्मा? बेटा रो मत, चश्मा इतना खतरनाक नहीं होता है, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए होता है। ठीक है। बस फिर रोहन को चश्मा लग गया। फ्रेंड्स आप लोगों को भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए पर 1 वीक में केवल 1 ही बार, ओके?